अमृता शेरगिल। आज हम लोग 20वीं शताब्दी की सुप्रसिद्ध महिला चित्रकार जिनकी कला का विस्तार बंगाल पुणे जागरण के दौरान हुआ था। 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया और माता का नाम एंटोनी गोट्समैन तथा उनकी छोटी बहन का नाम इंदिरा शेरगिल था तथा इनके पति का नाम विक्टर इगन था। इनकी कुछ चित्र प्रतियां निम्नवत है। थ्री गर्ल्स 1935, एसेंट स्टोरी टेलर 1940, ब्राइड ट्वाइलेट 1937, समायरा 1936, टू एलिफेंट्स 1940। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान द्वारा आयोजित गांधी सभागार में आधुनिक भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल जी के 110वें जन्म उत्सव को कला अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे, सहायक आचार्य ललित कला संस्थान। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कला अमृत 2023, जिसका आयोजन अमृता शेरगिल के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान के बीएफए तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी ये कार्यक्रम सृजन क्लब, द ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लब की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इन बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता दी है। इस आयोजन में हम चित्रकला के अलावा और भी बहुत सारे कला के आयाम देख सकते हैं, जिसमें बच्चों ने नाट्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, उसके साथ साथ ही सिंगिंग डांसिंग का भी आयोजन किया हुआ है। और इस बार भी हर साल की तरह बच्चे कुछ अलग अलग जो मटेरियल है उसमें भी अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने स्टोन आर्ट और थर्माकोल आर्ट इनका भी प्रयोग किया है। तो इस प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आएँ और नए कला के आयामों को देखें और अमृता शेरगिल को याद करें। आधुनिक चित्रकार अमृता शेरगिल भारतीय महिला चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका जन्मदिन 30 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे आधुनिक चित्रकारों में, क्योंकि वो पहली महिला चित्रकार थीं जिन्होंने भारतीयता को अपने चित्रों में स्थान दिया, और हमें उनके चित्रों से ये प्रेरणा मिलती है कि भारतीय जनजीवन को किस तरह से अपने चित्रों में आत्मसात करें और जनता तक मैसेज पहुंचाएं कि हमारे जो पर्व और त्यौहार या हमारे लोक जीवन की जो समस्याएं हैं और बहुत से ऐसे साधारण विषय हैं जिनको लेकर हम लोग काम कर सकते हैं और जनता में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली है और भारतीय परंपरा अपने आप में अनूठी है, जिसको आत्मसात कर भारतीय कलाकार आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से वे सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं हमारी आधुनिक परंपरा और विरासत को लेकर। मैं सभी कलाकारों और अपने छात्र छात्राओं से ये उम्मीद करती हूँ कि वो इनके जीवन पर आधारित, इनके जीवन चरित्र और लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में भी एक लक्ष्य निर्धारित करें और भारतीय परंपरा को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई इनके जन्मदिन के लिए और सभी इनसे प्रेरणा लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम निकिता मरिया है। मेरा नाम रचना वर्मा है। हम बीएफए थर्ड ईयर की छात्राएं हैं और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, हर साल की तरह हम लोग इस साल भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर को कोलाज दिया है बनाने को और सेकंड ईयर को अमृता शेरगिल जी की, यूनिक की फैमिली की पेंटिंग्स दी हैं बनाने को। इसके बाद हमने ऐसे ही क्लास वाइज सबको अलग अलग टॉपिक दिया है ताकि वो लोग अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकें। इसके अलावा, पेंटिंग्स के अलावा भी हम लोग ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो यहाँ पर पहले नहीं देखी गई हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगे, यूनिक भी लगे तथा और जगहों से लोग आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। प्रोग्राम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे तैयारियाँ भी चल रही है, सभी लोग पेंटिंग्स को लगा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अभी प्रोग्राम भी करने वाले हैं ऑन द स्टेज पे, तो वहाँ पे स्पीच भी रहेगी। हम लोग का एक एक्ट है जो कि अमृता शेरगिल की पूरी लाइफ के बारे में बताया जाएगा, प्लस हम लोग डांस भी करेंगे